Welcome to my show. I, Vijay, as being General Secretary of the Student Society for Advanced Research and Development, will focus today on government's important scheme. And thank you so much for all your important feedback and support. चर्चा का माध्यम हिंदी होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके. सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया. वीडियो देखने वाले और एक समान विचारधारा रखने वालों को धन्यवाद. मेरा मोटिवेशन यह जान के और बढ़ा कि काफ़ी लोगों ने अपने क्षेत्रों में इस जानकारी का फ़ायदा भी उठाया है. ऐसी आकांक्षा के साथ आइए आगे बढ़ते हैं. आज का विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सोच विचार के ये सिंगल विंडो वीडियो मैसेज सर्विस के जरिए कई योजनाओं को ध्यान में रख के आपको जो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है उसी पर चर्चा करूं, ऐसी मेरी कोशिश हमेशा रहेगी. आइए बात करते हैं पेंशन की. क्या आपके पास पेंशन का इंतज़ाम है, या नौकरी ख़त्म होने के बाद क्या आप अपनी सेविंग से पैसा खर्चा करने वाले हैं? आज जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं केवल लगभग 8% लोगों को ही पेंशन मुहैया हो पाता है. बाकी के 92% लोग बिना किसी पेंशन सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं. आंकड़ों के हिसाब से 2050 में करीब 30 करोड़ लोग 60% की उम्र से ज़्यादा होंगे और 2030 में जीडीपी पे लगभग 4.1% का प्रेशर केवल पेंशन की वजह से होने की पूरी संभावना. और ये बेस्ट स्थिति में भी आपको 1000 या उससे कम ही पैसा हर महीने मिल पाएगा. 2030 में 1000 या उससे कम में जीवन यापन करना मुश्किल है और वो भी कुछ लोग ही कवर हो पाएंगे. ऐसी स्थिति में सोचिए कि आप कहाँ हैं. भारतीय संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया है, लेकिन व्यवस्था ने समय के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई बदलाव किए हैं. NSSO 2015 सर्वे के हिसाब से सरकार का खुद का आंकड़ा है कि करीब 88% लोगों के पास बुढ़ापे के समय कोई आर्थिक सहायता पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कवर्ड नहीं है. चलिए, आपकी सेविंग खर्च ना हो उसके लिए कुछ उपाय करते हैं. भले ही किसी की अच्छी सैलरी हो, लेकिन फिर भी कोई पेंशन प्लान ज़रूरी है. पेंशन कई किस्म के हैं पर सब पर चर्चा मुश्किल है, इसलिए केवल सस्ते और जो सरकारी हो उस पर आज आपका ध्यान केंद्रित करेंगे. चर्चा के बिंदु तो बहुत हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है सीधे उस पर बात करते हैं. पहला, अटल पेंशन योजना. दूसरा, नेशनल पेंशन योजना. आइए संक्षेप में अटल पेंशन योजना के की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता दूँ. इससे आपको 5000 रुपये हर महीने मिल सकता है. अगर आपने कोई प्राइवेट प्लान लिया हो तब भी ये ले सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता है और एडिशनल बेनिफिट भी आपको दे सकता है. अगर आप चाहें तो अपने किसी परिवारजन के लिए भी ले सकते हैं. उनके बुढ़ापे में ये पैसा एक सेवा के रूप में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जिनके पास NPS यानी कि नेशनल पेंशन योजना है, वो अटल पेंशन योजना में माइग्रेट होकर आ सकते हैं. NPS अटल पेंशन योजना की तरह गारंटेड रिटर्न नहीं देता, इसलिए जो बेस्ट है वही चुन के लेके आया हूँ और उसी पर फोकस करूँगा. इस प्लान में 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आप कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं जिसका लाभ आपको 60 साल पूरा होने के बाद गारंटेड रिटर्न के रूप में मिलेगा ही मिलेगा. 1000 रुपये हर महीने पाने के लिए केवल आपको 42 रुपये हर महीने देने होंगे. और इसी तरह 2000, 3000, 4000 या लास्ट लैप 5000 के लिए आपको केवल 248 रुपये हर महीने देने होंगे. सच में सरकारी योजनाएं सस्ती होती हैं और गारंटी भी रहती है. सरकार आपके लिए 1000 वाले प्लान में अलग से 5 साल के लिए 50% अपने जेब से देगी अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं. तो मतलब गरीब लोग अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1000 रुपये प्लान वाले में सरकार जो है 50% देने को तैयार है. एक और ज़रूरी बात, 20 से 40 साल के लोगों को अलग अलग श्रेणी में बांटा है, उसका चार्ट में आपको शेयर करूंगा. पर पहले ज़रूरी बिंदु बता देता हूं. अगर जिसने ये योजना खरीदी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को वो सेम पेंशन मिलती रहेगी. अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 1,70,000 से लेकर 8,50,000 तक मिल सकते हैं. फ्लेक्सिबल पेमेंट सिस्टम है, आप चाहें तो हर महीने या हर 3 महीने या 6 महीने के हिसाब से जमा कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि हर महीने जमा करें. इससे सेविंग की हैबिट और अच्छी रहती है और घर का बजट भी सही चलता है. उधारी जितनी कम हो उतना अच्छा है. आप जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा. आप चाहे तो अपना पैसा आपके अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिक भी कट सकता है. तो इस बात की चिंता ना करें कि योजना ली और निभा नहीं सके या कभी किसी महीने भूल गए. अगर आपकी किसी महीने या कुछ महीने की प्रीमियम नहीं भी दे पाए तो चिंता ना करें, उन महीनों का प्रीमियम आप एक साथ इंटरेस्ट के साथ जमा कर सकते हैं. इस आपकी योजना लैप्स नहीं होगी, लेकिन डिफॉल्टर ना ही बने.
जैसे केंद्र सरकार जो 50% एडिशनल राशि जमा कर रही है, वैसे एक प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार भी चाहे तो प्रार्थी या एप्लीकेंट के खाते में अपनी तरफ से भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। कुछ राज्य कर भी रहे हैं, पर यह राज्य सरकार के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो इस योजना को आप अपने बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं, वरना पोस्ट ऑफिस में जमा करने वाला फॉर्म मैं आपको अटैचमेंट में दे रहा हूँ। जिनका खाता बैंक में है वो अपना मोबाइल नंबर सही डालें और जो नंबर बदल लेते हैं वो अपडेट हमेशा कराएं, ताकि आपको हर स्कीम प्रीमियम। अगर मान लीजिए आपने 5000 वाले योजना का चुनाव किया है और प्रीमियम नहीं दे पा रहे, हालांकि प्रीमियम बहुत कम है, पर फिर भी अगर नहीं दे पा रहे तो अपनी फिक्स योजना का अमाउंट साल में एक बार 1 अप्रैल को बदलवा कर घटा या फिर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि टेबल चार्ट मैं अटैचमेंट में दे रहा हूँ, उस टेबल चार्ट के ज़रिए आप ये जान सकते हैं कि किस उम्र के व्यक्ति को कितना और कितने पैसे में कितने हर महीने में फिक्स पैसा मिलता रहेगा और कितना उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। मान लीजिए आप अगर 18 साल के हैं तो केवल 42 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे, 60 साल के बाद आपको या आपके साथी को 1000 रुपये का पेंशन मिल जाएगा और दोनों के मरणोपरांत 1,70,000 रुपये मिल जाएगा। इसी तरह 5000 रुपये प्रतिमाह फिक्स पेंशन पाने के लिए या नॉमिनी को 8,50,000 रुपये मिल जाए तो आपको केवल 210 रुपये हर महीने देने होंगे। इसी तरह 18 से 19 साल वाले के अलग प्रीमियम है, 20 से 24 की अलग प्रीमियम है, 35 से 39 साल के अलग प्रीमियम है। सबका चार्ट टेबल आपको मैं एक जगह पर एक ही लिंक में अटैचमेंट में दे रहा हूँ। योजना को अप्लाई करने में आपको 120 से 150 रुपए का खर्चा देना होगा। आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अगर अकाउंट नहीं है तो बैंक में अकाउंट खुलवा लें। हर योजना का लाभ आपको आसानी से बैंक के माध्यम से मिल जाएगा या जनधन योजना के तहत फ्री में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना के अधिक जानकारी के लिए आप नेशनल टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 1800 1800 1111 या फिर 1800 1100 0001। हाँ, एक और बात, नेशनल पेंशन योजना पुरानी हो चुकी है और जो खूबियाँ उसमें हैं वो इसमें भी है और जो बुराइयाँ उसमें हैं वो इसमें नहीं है। उसमें कम पैसा मिलता है, गारंटीड वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि इस योजना से आए हुए पैसे सरकार म्यूचुअल फंड में भी लगाती है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जो बेस्ट है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो टैक्स पेयर हैं वो भी इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस उन्हें सरकार जो पहले 5 साल का जो 50% कंट्रीब्यूशन देती थी वो टैक्स पेयर वालों को नहीं देगी, लेकिन वो टैक्स पेयर के हिसाब से एक मामूली रकम है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। जो मैंने कहा और जो कुछ भी आज जानकारी या डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं नीचे भेज रहा हूँ, आप डाउनलोड करके बैंक में या CBS पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं या नेट बैंकिंग। सारी सरकारी व अन्य योजनाओं के बारे में जानना, पढ़ना, कंपेयर करने के बाद जो मेरा राजनीतिक या सरकारी कार्रवाई करने का पर्सनल अनुभव रहा है उसके हिसाब से जो बेस्ट है उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सिंगल विंडो सर्विस देने की मेरी कोशिश हमेशा रहेगी और वीडियो ब्लॉगिंग के माध्यम से आपसे जुड़े रहने में अलग अनुभव मेरे लिए एक मोटिवेशन की बात है। आप चाहें तो गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं या आप उसे यह जानकारी दिखा सुना या समझा सकते हैं या मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। और आप चाहें तो मेरी संस्था से भी जुड़ सकते हैं सामाजिक सेवा करने के लिए। आप मेरी NGO का हिस्सा बने। हमसे जुड़ने के लिए मैं आपको एक ये लिंक बता दे रहा हूँ और वेबसाइट भी बता देता हूँ जहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट। जय हिंद।